तो हेलो एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और सुबह के बजे हैं 6:55। तो गुड मॉर्निंग सभी को एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम पटना। आज हम जा रहे हैं बक्सर। तो ये बक्सर का ब्लॉग देखिए बनाने का मूड था नहीं, बट मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ कि क्यों बना रहा हूँ ये ब्लॉग। क्योंकि आज जहाँ हम जा रहे हैं वो कैलाशपति मिश्र, जो कि पूर्व हमारे वो थे, गवर्नर थे, एक्स डिप्टी सीएम एंड गवर्नर थे वो। उनके हम जा रहे हैं पुण्यतिथि में, समारोह समारोह में, सामान्य समारोह में, वही जो भी बोलते हैं सम्मान समारोह, वहाँ जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि गाड़ी हमारी आ चुकी है, तो हम फटाक से उधर चलते हैं। तो फिलहाल सर भी आ चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो सर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी टू यू सर आल्सो। होप हमारी जर्नी सक्सेसफुल हो। बस हमारी जर्नी सक्सेसफुल रहे, कुछ अच्छा अच्छा एंजॉयमेंट जब करेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि लंबी जर्नी है, करीबन 135 किलोमीटर अप्रॉक्स आई थिंक। तो ठीक है। Just like another season, not for long, just a time, just like another season. फिलहाल कोइलवर पुल क्रॉस कर रहे हैं। कोइलवर पुल मतलब अभी कोइलवर पुल पे नहीं है, मतलब कोइलवर पुल के जस्ट बगल से एक और नया पुल डेवलप हुआ है, जिसका वीडियो आपको अभिनव भाई हमारे हैं उनके भी चैनल पे मिल जाएगा। तो सर का परिचय आप लोग नहीं जानते होंगे, सर ज़्यादा परिचय देंगे नहीं, बस सर हमारे सर हैं। सर का नाम विशाल पांडे हुआ। फिलहाल आप नज़ारों का मजा लीजिए। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं ये आरा बक्सर रोड पे, और यहाँ पे हमारे एक मित्र का पंप है, जो कि बेचारे को कभी काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो गया है अभी, क्योंकि ये हाईवे जो आप देख रहे हैं सामने, इस हाईवे से काफ़ी नीचे पंप था। ये आप देख रहे होंगे बाउंड्री लाइन, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाउंड्री लाइन से काफ़ी मतलब देख देखिए यहाँ नीचे कितना मतलब लाइक नहीं भी तो 6 फीट 6 फीट ऊँचाई पर हो गया, जिसकी वजह से पंप पर डबल खर्च पड़ गया है। और डबल खर्च का मतलब समझ लीजिए कि आप एक पंप का खर्चा इनको दोबारा इस पंप को बनाने में लग गया, तो बेचारे को बहुत नुकसान हुआ अभी। जबकि ध्यान दीजिएगा आप कि टैंक पे भी इनका अभी इस टंकी को भी ऊपर करना है, मतलब टंकी में जो भी खर्च स्टार्टिंग में हुआ था वही खर्च अब दोबारा होगा क्या सर? एग्जैक्टली तो आपको मैं पंप दिखाता हूँ, सामने देख रहे होंगे आप, वो जो टैंक है उसको वो ऊपर करना पड़ेगा, बाकी इसको तो किसी तरीके से मैनेज कर दिया जाएगा। देख रहे होंगे आप कितने हाइट पे होने के बाद ये लेवल पूरा नीचे चला गया है। फिलहाल ये चीज़ मैं आपको दिखाना इसलिए चाह रहा था कि सरकार को ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है। चलो तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं और पांडे सर हमारे भी बैठे हैं, हमारा रो मिल चुका है, फ्रंट रो, सामने स्टेज है। कैलाश साहब का मतलब हमारे इनके बारे में हम पूरा जानकारी आपको दिलाएंगे, बट ऐसे इंसान से जो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता पाए। थोड़ा सा बिजी है अभी चंदन भैया, हम 2 मिनट उनको टाइम देंगे, ठीक है चंदन भैया आते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को इंट्रो कराएंगे कि क्या है प्रोग्राम और सारा चीज़ आपको बताते रहेंगे। आप सब इसका जनक राम जी, आप सब उपस्थित हो रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और मैं उपस्थित आप सबों से आग्रह करूंगा कि एक बार करतल ध्वनि से खड़ा होकर के आप सबों का अभिवादन करें। Turn and change just like your mind.
like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. ये जो पुल क्रॉस कर रहे हैं ना, ये पुल जो है ये बिहार से यूपी की तरफ जाता है, यानी बलिया के साइड। तो हम लोग जा रहे हैं बलिया की तरफ। हम हैं गुरु जी, तो यूपी जा रहे हैं कुछ काम से, वहाँ पे जाएंगे, कुछ पेपर्स लेना है सर का कोर्ट से, वो वकील साहब लेके खड़े हैं, बस जाएंगे पेपर लेंगे वापस, मतलब आज रात रात तक घर पहुँचेंगे, यानी कल तक ब्लॉग डाल देंगे। तो भाई फाइनली ख़त्म हो गया ट्रिप। जैसा कि आपको मैंने बताया भी था कि मैं इस ब्लॉग के बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर ये ब्लॉग क्यों था और क्या रीज़न था मुझे इस ब्लॉग को शूट करने। एक्चुअली इस वीडियो में वी आर इनवाइटेड एज अ नॉट चीफ गेस्ट बट एज अ गेस्ट। चीफ गेस्ट वाली औकात नहीं है भाई, तो नहीं बोलना चाहिए। तो जो गेस्ट में गए थे वो हमारे भाई साहब थे विशाल सर, जिनको मैं सर ही बोलता हूँ क्योंकि मेरे लिए वो गुरु हैं, मुझे सिखाते हैं हर एक चीज़, लाइक मार्केटिंग एंड जो भी मेरा जॉब है उस जॉब से रिलेटेड जो भी मुझे आइडियाज़ होते हैं सारा चीज़ वही देते हैं, तो मेरे लिए वो गुरु हैं, तो मैं ऐसा बोलता हूँ। फिलहाल वही गए थे क्योंकि डिप्टी सीएम और इन लोगों को जो वहाँ सम्मानित करना था तो वो उनका जिम्मा था, तो उनको जाना था, तो उन्होंने मुझे बोला कि विनीत तू साथ चल, ताकि मेरा फ़ोटो वगैरह भी क्लिक हो जाएगा और तू साथ रहेगा तो थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, क्योंकि अकेले दूर जाना सही नहीं लगता है। तो हम दोनों साथ में गए थे, तो मैं सोचा जब चाह ही रहा हूँ तो आप लोगों से को भी थोड़ा सा इस ट्रिप के बारे में बताऊँगा और मज़े करते हुए साथ चलेंगे, तो हमारे साथ साथ आप भी मज़े करोगे अगर अच्छा लगे तो, ठीक है, नहीं लगा तो उसके लिए सॉरी। और अभी ट्रिप हो गया ख़त्म, बाकी एक नया ट्रिप का भी प्लान है, प्लान बहुत सारा बना कैंसिल हो गया, लोग ड्यूटी वाले हैं, लोग जा नहीं सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बट नया ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। मे भी दोस्तों के साथ न्यू ईयर का प्लान होने वाला है, जल्दी जाने वाला हूँ, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल ब्लॉग को करते हैं ख़त्म और आप लोग को एक रिक्वेस्ट है आपसे, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड और कलीग्स के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो करते हैं क्लोज, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। गुड बाय।